थैंक गॉड तुम उन लोगों से अलग हो जो सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं। थैंक गॉड तुम्हारी जिंदगी में कोई ख्वाब तो है। दुनिया का तो काम ही है कोई कुछ हटकर करे ना तो उसको ताने मारना। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें म्यूजिक में करियर बनाने से रोके ना तो वो सही कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास से पहला बंदा देखा है जो सरकारी नौकरी से हटकर सोच रहा है, और वो इसलिए सही कर रहे हैं क्योंकि अभी तक तुमने म्यूजिक में कुछ करके नहीं दिखाया उनको। सबके पेरेंट्स बोलते हैं, मेरे भी बोलते थे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है यार। हाँ आज मेरे साथ हो ना तुम लोग। हाँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं म्यूजिशियंस हैं इस दुनिया में। तो क्या हुआ, गांव का लड़का हूँ, बाप किसान है, और म्यूजिक क्लास अटेंड करने की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि म्यूजिक सीखने के लिए अगर क्लास अटेंड करूंगा तो मैक्सिमम चांस है कि पेरेंट्स मना करेंगे, दोस्त भी ऐसेंगे कि यही काम बचा तेरी जिंदगी में, तो कुछ और करने के लायक तो है नहीं, इसलिए म्यूजिक सीख रहा है। वो सही बोलते हैं क्योंकि वो यही सोचते हैं, और वो यही सोचते हैं क्योंकि वो खुद ही ऐसे हैं। तो तुम भी अपने जैसे बनो ना। दुनिया में हमेशा याद आना चाहते हो ना तो अभी के लिए दुनिया को भूल जाओ। हाँ सही कह रहा हूं, दुनिया में अपना नाम चमकाना चाहते हो तो दुनिया को भूल जाओ और खुद के अंदर की दुनिया में झांको। क्या कहती है तुम्हारे अंदर की दुनिया? तुम्हारा दिल तो कहता है कि अच्छे गा सकते हो, लेकिन तुम दिल की बजाय ना दुनिया की सुनते हो। तुम्हारा दिल तो कहता है कि तुम सबसे अलग करने के लिए पैदा हुए, लेकिन तुम दुनिया से डरते हो। तुम्हारे हाथ गिटार बजाने के लिए उठते हैं, लेकिन तुम रूममेट के ताने से डरते हो। तुम्हारा दिल तो कहता है कि अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन दुनिया जिधर जा रही है तुम भी उधर की लाइन में खड़े हो जाते हो। अब इसे अपने दिमाग में बिठा लेना कि अगर दुनिया में हमेशा याद आना चाहते हो ना तो प्लीज अभी के लिए दुनिया को भूल जाओ। जो दुनिया को भूलेगा दुनिया उसे याद करेगी। उल्टा सिस्टम है। फिर भी दुनिया के तानों से ना लड़ पाओ ना तो जब वो सोते हैं तब तुम अपना म्यूजिक बनाओ। या तो सुबह 4 बजे तक जगकर म्यूजिक बनाते रहो, या फिर सुबह 4 बजे की नींद को ना लात मार करके गिटार पर लग जाओ। जब तुम्हारे लिए सामने रखी चाय तुम्हारी भूल से ठंडी होकर बर्फ बन जाए ना, तब जान लेना तुम्हारे सपनों और काबिलियत में दम है, दम। जब बार बार इमोशनल होकर तुम्हें सिर्फ म्यूजिक का ख्याल आए ना, म्यूजिक में कुछ बड़ा करने की थॉट आए ना, तो समझ लेना भाई म्यूजिक ही तुम्हारा असली पैशन है। कहानियां सुनने का बहुत शौक है ना, चलो कहानियां सुनाता हूँ। एक ऐसा सिंगर जिसकी आवाज को शुरू में यह करके रिजेक्ट कर दिया कि भाई तुम्हारी तो आवाज ही नहीं है गाने लायक, इंडस्ट्री के लायक, मार्केट के लायक, और वो सिंगर भी ऐसा मान लेता है कुछ टाइम के लिए, इतने स्ट्रगल्स करता है, अपनी जिंदगी को खत्म करने की भी सोचता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। वही सिंगर जीत लेता है लोगों का दिल, और पता है क्या, पद्मश्री पुरस्कार। वो सिंगर कैलाश खेर, एक ऐसा सिंगर जिसे स्टूडियो के बाहर काफी देर तक काम की तलाश में भूखा प्यासा खड़ा रहना पड़ता था, और वही सिंगर जीत लेता है म्यूजिक की दुनिया और बन जाता है सबका चहेता सिंगर, सोनू निगम। अवार्ड्स की तो गिनती छोड़ दो इनकी। आर्टिस्ट के अंदर ना एक आग होती है, कुछ साबित करने की आग, जिसको वो बोलकर साबित नहीं कर सकते, किसी के धोखे की आग जो इतनी बुरी है कि छाती फट जाए तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाए। वो आग तुम में भी थी, है और रहेगी, बस तुम्हारी आंखों पे ना कभी कभी पर्दा लग जाता है। अपनी पहचान अपने नाम से नहीं, अपने काम से बताओ। आज से प्राउड फील करके बोलो कि मैं एक म्यूजिशियन हूं और म्यूजिक मेरा पहला और आखिरी प्यार है। गर्लफ्रेंड ने दूसरे बॉयफ्रेंड से प्यार कर लिया, अरे यार तुम अपने म्यूजिक से प्यार करो ना। 1000 गर्लफ्रेंड होगी तुम्हारी, पर उससे भी पता है खास बात क्या है, तुम फिर भी अपने म्यूजिक से ही प्यार करोगे, क्योंकि वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। जानते हो जब तुम्हारा फेवरेट गाना बजता है तब तुम रोने लगते हो, नाचने लगते हो, यही है म्यूजिक। ऐसा गाओ कि लोग रोएं, ऐसा म्यूजिक बनाओ कि लोग खुद को भूल जाएं। अपनी जान, अपनी फीलिंग्स अपने म्यूजिक में झोंक दो। तुम रोओगे तो दुनिया साथ में रोएगी, तुम नाचोगे तो दुनिया साथ नाचेगी। तो उठो और भूख प्यास नींद आराम सबको अलविदा बोल दो, और उन 2% लोगों में शामिल हो जाओ जो मरने से पहले इस दुनिया में अपने सपने पूरे करके जाते हैं। गाइज इस लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड इस बेल आइकन को दबाइए एंड लाइक करना मत भूलिए मेरा गिटार से जुड़ी सब वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।